मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पादपों में परागण की क्रिया के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कीट होता है। इसके पालन से मनुष्य को दोहरा लाभ होता है। मधुमक्खी के पालन से परागण की क्रिया आसानी से होने के कारण फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। मधुमक्खी से प्राप्त शहद का उपयोग करने से उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ के साथ साथ औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। शुद्ध शहद लंबे समय तक नष्ट नहीं होने के कारण परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। रेशम कीट पालन। रेशम प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों से रेशम कीट का पालन करते आए हैं। रेशम से कपड़े बुनने की प्रक्रिया का प्रारंभ सर्वप्रथम चीन में हुआ। रेशम कीट का जीवन परिचय। ऐसा कीट जो रेशम का धागा उत्पन्न करते हैं उन्हें रेशम कीट कहते हैं। इनमें शहतूत की पत्तियों पर वृद्धि करने वाले रेशम कीट की जाति बॉम्बैक्स मोराई प्रमुख है। यह आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। यह अच्छी गुणवत्ता की रेशम उत्पादन करता है। अंडज उत्पत्ति के बाद अंडे से लार्वा बाहर आ जाता है। यह लार्वा कैटरपिलर कहलाता है। लार्वा में एक जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है जिन्हें रेशम ग्रंथियां कहते हैं। जब ये पूर्ण विकसित हो जाती है तब यह लार्वा की लंबाई से 5 गुना अधिक लंबी हो जाती है और रेशम का स्त्रवण एक द्रव के रूप में होता है जो हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है। रेशम कीट के एक पूर्ण विकसित लार्वा की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है। यह भोजन करना बंद कर देता है और इसके पश्चात कोकून बनाना प्रारंभ कर देता है। अपने चारों ओर रेशम के धागों का स्त्रवण करके स्वयं को उसमें बंद कर देता है। कोकून के अंदर बंद निष्क्रिय लार्वा प्यूपा कहलाता है। एक कोकून का भार 1.8 से 2.2 ग्राम होता है। रेशम प्रोटीन का बना होता है। इसका भीतरी भाग फाइब्रिन और बाहरी भाग सेरीसिन प्रोटीन।